Gee, folks, I'm again. Viewers, तो ये मैं ब्रैम्पटन के शॉपर्स वर्ल्ड ब्रैम्पटन आप देख सकते हैं जो साइन आपको बता रहा होगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ध्यान जो जिस चीज़ पे देना है वो देखना है कि कस्टमर कौन है और दुकानदार कौन है। तो एक तो एंट्रेंस उसकी शायद उधर से है और ये शायद इसकी मेन एंट्रेंस यहाँ से है। बड़ी आर्टसी एंट्रेंस है इसकी। तो लेट्स गो सी। और मैं ख़ुद भी आप लोगों की वजह से यहाँ पर तकरीबन आवर्ड से 5 साल बता रहा हूँ। 5 साल तो हो गए मुझे यहाँ आए हुए। इससे पहले मैं नहीं आया था। इससे पहले आता रहा हूँ जब रहता था, लेकिन 5 साल हो गए मैं यहाँ नहीं आया। तो चूँकि मैं यहाँ से गुजर रहा था वीडियो के चक्कर में, मैंने जो है मैं दोबारा यहाँ पर आया हूँ। तो ये हम एंटर हो रहे हैं यहाँ पर। मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से रात 9 बजे तक है। सैटरडे संडे वही नॉर्मल जो मॉल के आवर्स होते हैं। तो मुझे देखना ये है कि हम कहाँ से गुजरे। ये तो पहले ओशन है राइट साइड पे। यहाँ देखें कौन से लोग हैं यहाँ पर, क्या नाम है, कौन दुकानदार हैं, कौन सी दुकान पे शॉपिंग हो रही है। तो उससे आपको ब्रैम्पटन की पॉपुलेशन के बारे में पता लगा कि आपको एक वाजा वो मिलेगा कि दिस इज़ अ वेरी मच इमिग्रेंट सिटी। ये सिनेमन बन है। चलें अब इधर चलते हैं। पहले राइट साइड से शुरू करता हूँ। कोई तरह ये इट इज़ नॉट लाइक उसकी तरह नहीं है ये इतना, जिस तरह आपका अल्लाह वाला का स्क्वायर वन। ये ब्रैमली सिटी सेंटर ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी ज़माने में बहुत मशहूर हुआ करता था शॉपर्स वर्ल्ड के नाम से। ये फैब्रिक लैंड होता है यहाँ पर। यहाँ पर आपको खुला कपड़ा मिल जाता है, जिस तरह हमारे यहाँ दिख रहे, जिस तरह हम चले आपको दिखा भी दूँ एक आध। ये जिस तरह ये खुला कपड़ा है $17 मीटर है। ये आपको $6 मीटर मिलेगा। कॉटन वॉयल प्रिंट्स एंड सॉलिड्स यहाँ पर आपको ये फैब्रिक लैंड के नाम से बटन इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं। ये आपको देखें धागे की रीलें वगैरह ये सारा कुछ, कोट्स एंड क्लॉथ थ्रेड नाउ $70 and $320 ईच। तो यानी अंदर तो ये बहुत ही बड़ा मुझे नहीं पता कि ये मैंने यहाँ कभी देखे तो नहीं लोग ये सर्वाइव कैसे करता है। ये देखें जो आप किसी भी कपड़े वाली की दुकान पे जामा क्लॉथ मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ या लिंक रोड वगैरह पे, तो ये देखें ये फैब्रिक लैंड के नाम से है। ये देखें तो मैं यहाँ से चूँकि पहला स्टोर पड़ा है तो मैंने कहा दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें ये खुला कपड़ा है, क्योंकि कई गोरे वगैरह भी बड़े शौकीन होते हैं वो बनाते हैं। ये देखें ये सारा खुला कपड़ा के। लोग क्राफ्ट वगैरह के लिए जो मना, आप तो यहाँ पर हर चीज़ रेडीमेड गारमेंट्स का ही रवाज है, लेकिन अभी भी शौकीन लोग हैं जो करते हैं। तो नहीं हाँ, ये बर्ड्स आई व्यू था एक, मैंने कहा आपको थोड़ी सी इसकी सैर करा दी जाए। ये फैब्रिक लैंड के नाम से है। अब ये देखिए गुड लाइफ फिटनेस सेंटर है, इन्होंने काफ़ी बड़ा बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या क्या है, बैड बॉय सुपर स्टोर है, कैनेडियन टायर है, जाइंट टाइगर है, गुड लाइफ फिटनेस भी है। या यहाँ से देख लें तो कि कौन कौन से स्टोर हैं यहाँ पर। अब स्क्वायर वन का यही जो है चिल्ड्रन फैशन में, फूड एंड रेस्टोरेंट्स में, NW अमेजन चाय टी एंड स्पाइस, बोरबन स्ट्रीट ग्रिल, फिर यहाँ पर फुटवेयर भी हैं, आल्डो आउटलेट भी है, डॉलर रामा हेल्थ। तो आई मीन स्क्वायर वन इससे 3 times या 4 times या 5 times जिससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ आपको दुकानदार से लेके और कस्टमर्स की हद तक सारे
मोस्टली जो मिलेंगे वो आपको साउथ एशियन लोग मिलेंगे, उसमें क्या नाम है, और इवन आपको उधर के भी मिलेंगे, फार ईस्ट के भी मिलेंगे। तो एक चक्कर लगा के मैं ये डॉलरामा बहुत पुराना है, यहाँ से मैंने एक आध दफ़ा चीज़ें खरीदी हैं। ये यहाँ का फूड कोर्ट है जहाँ पर आपको हर तरह की, मैं वहाँ से एक चक्कर लगाऊँ सर तो आपको उससे अंदाज़ा होगा कि किस तरह के लोग यहाँ पर हैं। अच्छा बिज़ी होता है ये भी, पिछली दफ़ा भी आया था तो अच्छा बिज़ी था ये, जब आज से 5 साल पहले कभी आया था। तो ये फॉक्स इस तरफ जाएंगे तो विनर्स है, ये कैनेडियन टायर को रास्ता चला जाएगा, वो कनेक्ट कर देते हैं अंदर से ही। कैनेडियन टायर की मैंने आपको वो भी पहले बनाई है, आज वॉक नहीं करनी पड़ेगी, यहीं वॉक हो जाएगी। ये देख लें, आर्डीन का है, $315 की क्या है ये, मेरे ख्याल औरतों का स्टोर होता है, या ये $5 की, $5-$10 के, वाह। तो आज आपकी मैंने क्या नाम है शॉपर्स वर्ल्ड की सैर करा दी है, दुकान के अंदर देखें क्या है। विनर्स में काफ़ी सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं आपको, ट्रेयर बॉक्स के नाम से, ये हाँ कोई होगा, खालसा ट्रैवल, टिकट लेनी हो तो चले मैं इधर से जाऊं या चले उधर से जाता हूँ, फिर फूड कोर्ट का एक चक्कर लगा के। कितने मिनट की हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट 9 मिनट्स, तो 4-5 मिनट में इसको मैं रैप अप कर दूंगा। किंग तंदूरी बार एंड ग्रिल, डाइन इन एंड टेक आउट, देखे ना फॉक्स, इधर भी देखे आप, काफ़ी दुकानें हैं,
और इस तरफ देखें काफ़ी, तो इसका मतलब इट्स अ प्रीटी डिसेंट साइज, इट्स नॉट दैट इट इज स्मॉल। ठीक है, हर दुकान के गली गली जाना तो मुश्किल काम है, मैं आपको एक रफ सा एक जो है ना आइडिया दिला रहा हूँ, और मुझे भी इस मॉल का कोई इतना पता नहीं है। एज आई सेड अर्लियर, 5 साल बाद मैं यहाँ पर दाखिल हुआ हूँ। फुट लॉकर की भी कोई इतनी बड़ी दुकान नहीं जितनी बड़ी स्क्वायर वन में, स्क्वायर वन में बहुत बड़ी फुट लॉकर की दुकान है। राजधानी प्योर वेजिटेरियन, मुंह में पानी आ रहा है लेकिन टाइम नहीं है। ये देखे बॉक्स, चले फॉक्स आपका इधर से एक चक्कर लगा दिया मैंने, ये फॉक्स तो ये है सो फार। तो मैं, अब मेरा ख़्याल है कि अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, कोने में ओशन का है तो मैं बाहर से ही खड़े होकर आपको ओशन का नज़ारा करा दूँगा, लेकिन छोटा ओशन है, जितना बड़ा हमारे मिसागा में उतना बड़ा ओशन नहीं है। समहाउ मिसागा जो है ना, हालांकि ब्रैम्पटन का जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है वो बहुत ही खूबसूरत, कैसल मोर वगैरह का इलाका या और जो दूसरे इलाके हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं,
somehow development mein jo hai na Mississauga thoda sa isko comparison kare to property ki value bhi isliye wahan zara thodi zyada hoti hai, rentals bhi wahan par thode se zyada hote hain, crimes ke bare mein हाँ एक कमेंट्स आया था कि भाई क्राइम्स इन कनाडा के नाम से मुझे एक किन इलाकों में क्राइम्स हैं किन इलाकों में नहीं है तो उसके लिए बड़ी स्टडी करनी पड़ेगी क्योंकि ऑफ हैंड मुझे नहीं पता बाकी क्राइम यहाँ भी हो जाता है इक्का दुक्का तो दुनिया में हर जगह ही हो जाता है ये गालिबन ओशन की तरफ रास्ता जाता है तो मैं बाहर से ही क्या नाम है दाखिल होके वहीं से निकल जाऊंगा या ओशन ही है ये यहाँ से खड़े खड़े आपको दिखा देता हूँ अच्छा ये उसी तरफ रास्ता चला जाता है घूम के तो आप देख सकते हैं यहाँ से अगर देखना चाहें तो ये मोस्टली तो चाइनीज़ वो है फूड लेकिन सब्ज़ी वगैरह तो हम भी वही खाते हैं जो चाइनीज़ खाते हैं तो ये है फोक्स सो फार आप लोगों की ये कितने की हो गई वीडियो मेरी तकरीबन 17 मिनट की तो हो गई यहाँ से देख ले ये इनका कस्टमर सर्विस वगैरह है यहाँ से दिखा देता हूँ यहाँ से देख ले चलें फॉक्स निकलते हैं यहाँ से आप देख सकते हैं ये SWV शॉपर्स वर्ल्ड ब्रैम्पटन मेरी गाड़ी का पता है क्योंकि मैं उस दरवाजे से गया हूँ तो वहाँ पर है समवेयर ओवर देयर तो ओके फॉक्स आज मज़ा नहीं आया मुझे वैसे ऑनेस्टली एक तो शायद सारा दिन की थकान थी इस वजह से शायद ज़्यादा बोला नहीं गया और या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सका लेकिन एटलीस्ट आपने देख लिया तो ओके फॉक्स मिलते हैं एक ब्रेक के बाद एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोस और शेयर कीजिए लाइक कीजिए कमेंट्स कीजिए मेरे कई सब्सक्राइबर्स जो है मेरे उस पर क्रिटिसाइज करते हैं और आई लाइक इट जो भी है बताएं आई एम डूइंग राइट आई एम डूइंग रॉन्ग दिस इज़ माई एक्टिविटी तो आई कैंट बी परफेक्ट जैसा सुबह सुबह एक मैसेज आया हुआ था कि मेरी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिपीट हो रही है ऑफकोर्स इट इज़ लेकिन होता क्या है कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हैं तो मुझे फिर उसकी ना वीडियो बनानी पड़ जाती है तो ओके फॉक्स कोशिश करूँगा कि आइंदा से रेफरेंस डाल दिया करूँगा भाई फ़लानी वीडियो देख लो क्योंकि जिन्होंने देखी होती है फिर वो बोर हो रहे होते हैं और कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया करूँ आइंदा चलें मिलते हैं एक ब्रेक के बाद